और जिस तरह से 17 साल से बिहार में कृषि मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया, वह देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में और बिहार में जब एक साथ चला रहे थे तो उनको यह सारी समस्याएं नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पिछले 17 साल से कृषि मंत्रालय को चलाने का काम किया। उर्वरक मंत्री को सबसे पहले यह जवाब देना था कि 17 सालों में बिहार में उनकी क्या उपलब्धि रही जिसके बदौलत वो बिहार के किसानों को फ़ायदा पहुँचाने का दावा और दम्भ भर रहे हैं, और जिन समस्याओं के बारे में बोल रहे थे क्या वो समस्याएँ नई थीं या पहले से चली आ रही थीं। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि बिहार में उर्वरक की तस्करी, उर्वरकों के साथ कई तरह के उपादान जिसको बोलते हैं हम लोग नैनो यूरिया हो या सल्फर जाइम, इस तरह की चीज़ों को बिकने का आरोप उन्होंने लगाया। ऊँचे मूल्य पर खाद भी बेचने का उन्होंने आरोप लगाया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में और बिहार में जब एक साथ चला रहे थे तो उनको यह सारी समस्याएं नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि कई मीडिया चैनलों के द्वारा लगातार बिहार में इस संकट की तरफ पिछले 2 सालों से संकेत दिए जा रहे थे कि इस तरह की समस्या है, जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पिछले 17 साल से कृषि मंत्रालय को चलाने का काम किया। केंद्रीय उर्वरक मंत्री को सबसे पहले यह जवाब देना था कि 17 सालों में बिहार में उनकी क्या उपलब्धि रही जिसके बदौलत वो बिहार के किसानों को फ़ायदा पहुँचाने का दावा और दम्भ भर रहे हैं, और जिन समस्याओं के बारे में बोल रहे थे क्या वो समस्याएं नई थीं या पहले से चली आ रही थीं। सबसे बड़ा सवाल की समस्याएं थीं जिसके बारे में मंत्री बनते ही जो 1 महीना के तकरीबन हुए हम इन समस्याओं की तरफ संकेत साफ शब्दों में किया था, जिसको मीडिया के बंधुओं में से एक वर्ग माना कि हम आलोचना ही अपनी सरकार का कर रहे हैं, जबकि सही यही था कि यह समस्याएँ गंभीर रूप से बिहार में पहले ही से हैं, जिस पर नकेल कसने की आवश्यकता है, और जिस तरह से 17 साल से बिहार में कृषि मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया वह देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरे आंकड़े आपको देखने के बाद जो उर्वरक सप्लाई में मैं बता रहा हूं कि जिस समय बिहार में रोपनी होता है, रोपनी का समय होता है हमारा जुलाई और अगस्त, यही माना जाता है कि बिहार में रोपनी का उपयुक्त टाइम है। उन समय में फर्टिलाइजर की जो उपलब्धता रही वह यूरिया में रही 78%, डीएपी में 64%, एनपीके में हमारा 81% तथा एमओपी में केवल 45%। बीजेपी के पास 17 साल को विवाद है, 17 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बीच में 2.5 सालों की बात की जाए चिंता सरकार में आरजेडी भी रही है, उस समय जब कृषि मंत्री को आप देख लिया जाए तब मानते हैं ना कहीं नीतीश कुमार भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि मुखिया तो नीतीश कुमार हैं इन 17 सालों में। मैं पिछले किसी सरकार के बचाव के लिए नहीं बैठा हूँ, जितनी बातें मुझे कहनी है उस मामले में वो मैं कह चुका हूँ कई अवसरों पे। जो अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्री का जो बयान था जिसको आप प्रमुखता से पूरे राज्य भर के लोगों को बताए, वो उसका पक्ष बिहार सरकार का और कृषि विभाग का जो देना था उसके लिए मैंने इस बात को कहा। जितनी अलग जो सवाल हैं उस अलग सवालों के जवाब मेरे पहले ही बयान जा चुके हैं, आप चाहें तो पुनः उन बयानों को दोबारा देख करके आप उसको देख सकते हैं, मेरे बयानों में कोई बदलाव नहीं।